हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। टुडे वी विल डिस्कस आटमल 1984 दैट वाज रिटन बाय आलमगीर हाशमी। सो व्हाट इज द टेक्स्ट ऑफ दिस पोम? ओ कंट्री, नाउ स्टॉप डिस्कर विद योरसेल्फ एंड कॉल इन द स्प्रिंग फॉर योर गार्डन्स, अ रोज एंड अ क्रोकस फॉर ईच मैन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड द पोस्ट विंटर चीयर क्रॉस द ब्रेथ ऑफ द लैंड। नाउ एज द ऑटम कम्स, it is only the prelude to hours of season which come and go and come again to lend a definition to desire. It would not be long, the fog no color that looms over the tallest trees there, the shining reason caused in doubt thereabout. I can see it all almost from this necessary distance and hope that something will make it clear. True, the trees here as well are browning to crisp, yet there is an apple to lean back on when those others are rough to touch. Its peace has the veins and lines of my hand and is still 1/3 green. What is the introduction of this poem? ये जो पोम थी वो जियाउल हक के मार्शल आर्ट के इरा में लिखी गई थी। उस टाइम में राइटर्स को राइट्स नहीं थे कि वो जो सरकमस्टेंसेस हैं उसके बारे में फ्रीली जो डायरेक्टली अपनी राइटिंग में कन्वे कर सके। सो जो राइटर्स थे उस टाइम के वो एलिग्रीज अपनी राइटिंग्स में यूज़ करते थे और सिंबल्स यूज करते थे, मैसेज ऑफ होप, डिके और स्ट्रगल और डिटर्मिनेशन का जो मैसेज था लोगों में कन्वे करने के लिए अपनी राइटिंग्स में सिंबल्स यूज करते थे। टाइटल ऑफ पोम जो था उसमें आलमगीर हाशमी ने सिंबल यूज़ किया है। द नेम ऑफ जो नेम है पोम का आटमल, जो इसका मतलब है सीजन ऑफ ट्रांजिशन, जो कि हमें रिमाइंड करता है अवर लाइव्स आर कॉन्स्टेंटली इन फ्लक्स, यानी कि हमारी जो लाइफ है वो कॉन्स्टेंटली इन फ्लक्स यानी कि कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। इट इज़ गिव्स अस अवेयरनेस डैट वी लिव इन अ कॉन्टिन्यूस साइकिल ऑफ डाइंग एंड राइजिंग, यानी कि हमारी जो लाइफ है वो अप्स एंड डाउन्स होते रहते हैं उस लाइफ में, और कभी हम ऊपर होते हैं कभी नीचे होते हैं, और हमारी जो कंटिन्यूस साइकिल है डाइंग और राइजिंग का वो चलता रहता है। स्ट्रक्चर ऑफ पोम में जो स्ट्रक्चर है पोम का वो कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि जो स्टाइल है पोम का वो जो सजेस्टिव है और अफेक्टिव है। जो रीडर हैं उनको नॉलेज होना चाहिए जिस टाइम पे ये पोम लिखी गई थी, आलमगीर हाशमी ने ये जो पोम लिखी थी आटमल 1984, उस टाइम का कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए जब जियाउल हक ने जो मार्शल आर्ट का इरादा था और सिचुएशन थी पाकिस्तान में, जो सिचुएशन थी और जो पीपल थे वो जो ट्रबल में थे उस टाइम में, जो पीपल जो थे वो ट्रबल में थे। इस वजह से जब रीडर ये रीड कर रहे हों तो उन्हें उस कॉन्टेक्स्ट का पता होना चाहिए। द पोम जो है उसमें फ्री वर्स में लिखी गई है और इरेगुलर लाइन लेंथ है, यानी जो लाइन लेंथ है वो हर लाइन चेंज है, उसकी जो लेंथ है वो चेंज है, और ये हर जो फोर स्टैंजास में ये डिवाइड की गई, और ईच स्टैंजा एक्सप्लोरिंग अ डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ चेंजिंग सीजन। जो चेंजिंग सीजन है आर्टमल का वो उसको डिफरेंट एस्पेक्ट्स में जो फोर स्टैंजास हैं उसमें बयान होता है। लिटरेरी डिवाइसेज जो आलमगीर हाशमी ने यूज़ की थी उसमें पहली जो लिटरेरी डिवाइस थी वो मेटाफर है। जो राइट पोइट है वो मेटाफर यूज़ करता है क्वारल का, तीसरी लाइन में अपनी तीसरी लाइन में क्वारल का मेटाफर यूज़ करता है और डिस्क्राइब करता है कंट्रीज की इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट जो था उस वक्त का कंट्री का मार्शल आर्ट की वजह से और लोगों के अंदर बेचैनी और जो होप का डिक्ले हो गया था उसको बयान कर रहा है। नेक्स्ट इज अ सिम्बलिज्म, दो सिम्बल यूज़ किए। पहला द रोज ऑफ क्रोकस, जो कि रीन्यूअल ऑफ स्प्रिंग, या रीन्यूअल ऑफ स्प्रिंग का मतलब यह है कि वो होप देना चाह रहा है, होप का सिंबल यूज कर रहा है। और ब्राउनिंग लीव्स ऑफ ट्रीज, ब्राउनिंग लीव्स ऑफ ट्रीज था वो सिंबलाइज करता है पैसेज ऑफ टाइम एंड द चेंज, यानी कि टाइम का जो पैसेज ऑफ टाइम है और चेंज को इसको सिंबलाइज कर रहा है दूसरा सिंबल। नेक्स्ट इज द इमेजरी, इमेजरी जो राइटर ने यूज की थी, अपनी पोइट ने यूज़ किया है, द फॉग डेट लूम्स ओवर द ट्रीज एंड द वेन्स एंड लाइन्स ऑफ मैपल लीव्स, ये हमारे माइंड में इमेज क्रिएट कर रहा है और विविड इमेजरी कन्वे कर रहा है, जो जिसकी वजह से हमारे पोम्स के जो थीम्स हैं उसको कन्वे किया जा सकता है। नेक्स्ट इज द रिपीटिशन, लिटरेरी वाइज जो रिपीटिशन ये थे, रिपीटिशन तब यूज़ होती है जब वो इम्फेसिस करना चाहता है किसी बात पर, इम्फेसिस करना चाहता है। सेकेंड स्टैंजास में पहली लाइन में उसने कम का वर्ड तीन दफ़ा यूज़ किया है और वो एम्फसाइज कर रहा है द साइक्लिक नेचर ऑफ सीजन, द इनएविटेबिलिटी ऑफ चेंज, यानी इनएविटेबिलिटी जो चेंज है, चेंज लाजमी होता है
हमारे जो सीजन्स होते हैं वो भी चेंज होते रहते हैं, जैसे स्प्रिंग, समर और ऑटम, विंटर, ये सारे जो चेंज होता है वो कंटिन्यूस साइकिल में होता रहता है। नेक्स्ट आर द थीम्स ऑफ डिस्पो। पहला जो थीम है वो है सोशल एक्सप्लॉयटेशन। पोइट ने ये जो पोम है वो उस टाइम में लिखी थी जब मार्शल लॉ था, और वो उस टाइम की सिचुएशन को जाहिर करना चाहता है। जो मार्शल लॉ होता है वो अनइलेक्टेड पावर होती है जो लोगों पे इम्पोज कर दी जाती है, जिसकी वजह से उनके जो पर्सनल सोशल राइट्स होते हैं वो सीज हो जाते हैं। दे हैव नो फ्री विल, उनके पास फ्री विल नहीं होती, और वो उसी तरह एक्ट करते हैं जिस तरह उन्हें कहा जाता है, और जो इस तरह उन पे इम्पोज किया जाता है लॉज और रूल्स जिस तरह इम्पोज किए जाते हैं, जिसकी वजह से उनके पास कोई फ्री विल नहीं होती, और दे हैव नो फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्ट, थिंकिंग एंड पर्सनल लिबर्टी। सो इट इज ऑलवेज रिजल्ट इन द सोशल एक्सप्लाइटेशन, जिसकी वजह से सोशल एक्सप्लाइटेशन होती है जब लोगों के पास अगर फ्री विल नहीं होगी, और अगर उनके पास फ्रीडम नहीं होगा स्पीच करने का, एक्ट करने का, थिंकिंग का, और पर्सनल लिबर्टी नहीं होगी, जिसकी वजह से सोशल एक्सप्लाइटेशन पैदा होती है। द फॉग, नो कलर, डेड लूम्स। इस लाइन में जो राइटर है वो इस सोशल एक्सप्लाइटेशन की थीम को कन्वे कर रहा है। नेक्स्ट इज द थीम ऑफ होप। सेम टाइम में जब वो स्ट्रगल्स की बात कर रहे हैं और उसके सोशल एक्सप्लाइटेशन की बात कर रहा है, उसी टाइम पे वो लोगों को होप भी दे रहा है। एट द सेम टाइम्स वो लोगों को होप भी दे रहा है। द पोइट ग्रीन कलर जो हैं, ग्रीन कलर्स जो उसने पोम में यूज़ किए हैं, ग्रीन कलर्स वो सिम्बलाइज करें होप को, दैट देयर विल बी स्प्रिंग सीजन्स आफ्टर द डिजर्टेड ऑटम। यानी स्प्रिंग सीजन भी आएगा, इट मीन्स दैट गुड डे विल कम इन देयर लाइफ्स व्हेन दे विल हैव फ्री विल टू एक्ट एंड स्पीक। यानी कि उस टाइम पे उनको फ्री विल जो होगी वो मिलेगी। टू द ट्रीज हेयर एज वेल एंड कॉल इन द स्प्रिंग फॉर योर गार्डन्स। यानी कि ट्रीज जो हैं वो सिम्बल्स हैं प्रोटेक्शन के, सो दे विल हैव एबल टू बियर द हार्डशिप ऑफ लाइफ। स्प्रिंग इज ऑल्सो सीजन ऑफ होप एंड मैरी मेकिंग। नेक्स्ट इज द थीम ऑफ डिके एंड एफर्ट। पोइट जो है वो माशाल्लाह के ही टाइम को बता बयान कर रहे हैं कि जिस टाइम पे पर्सनल लाइफ जो होते हैं लोगों के वो ख़त्म हो जाते हैं, जो डिके हो जाता है, और लोगों को एफर्ट करनी पड़ती है, यानी कि लोगों को उससे निकलने के लिए उस उनके इवन दो के जब वो टाइम गुजर जाता है माशाल्लाह का, तब भी लोगों के दिमाग में वो जो डिके होता है, जो उनके पर्सनल राइट्स का डिके होता है और सिविल राइट और ह्यूमन राइट्स का जो डिके होता है उसको वो, यानी कि लोगों के दिमाग में, साइकोलॉजी में एज इट इज स्टक हो जाता है, जिसकी वजह से उन्हें एफर्ट लगती है, इंडिविजुअल एफर्ट। सो डिके रिक्वायर्स इंडिविजुअल एफर्ट टू ब्रिंग सोशल चेंज एंड मेक द सिचुएशन पीसफुल एंड स्टेबल। यानी कि लोगों को इंडिविजुअल एफर्ट करनी पड़ती है सोशल चेंज के लिए और सिचुएशन को पीसफुल और बेटर करने के लिए। नेक्स्ट इज द थीम ऑफ सर्वाइवल। देर इज अ डिफरेंस बिटवीन सर्वाइवल एंड लिविंग। यानी कि जो एज अ स्मूथ जर्नी होती है लाइफ की वो हम उसे लिविंग कहते हैं, लेकिन जब हमारे पास कोई चीज डिके आ जाता है या स्ट्रगल हमें करनी पड़ती है अपनी अपने आप को जिंदा रखने के लिए, वो हमारी सर्वाइवल होता है। मार्शल लॉ के टाइम पे पीपल जो थे वर नॉट लिविंग बट जस्ट सर्वाइविंग, बिकॉज देयर राइट्स वर कटेल, बिकॉज नो एनी पोलिटिकल सिचुएशन वुड इन्फ्लुएंस द लाइव ऑफ पीपल। सो फॉर लिविंग अकॉर्डिंग टू आलमगीर हाशमी, पीपल शुड फॉरगेट द क्लैशेज एंड वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी। जो वर्ड गार्डन है वो सिंबलाइज करता है कॉन्शियसनेस को। सो व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ दिस पोएम। अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो जो पोएम है वो सिनेरियो है रिटन उस सिनेरियो में लिखी गई थी विक्टिमाइजेशन के सिनेरियो में। द पोइट इज गिविंग द होप टू हिज नेशन। यानी कि वो अपनी नेशन को होप दे रहा है कि डेज ऑफ हैप्पीनेस विल कम व्हेन एवरीवन विल एंजॉय हिज राइट्स एंड ऑटम और डिजर्टेड सीजन विल गो एंड इट विल बी रिप्लेस्ड बाय स्प्रिंग। ये एक इंकरेजिंग पोम थी जो उस आलमगीर हाशमी ने लिखी थी। ही हैज़ रिप्रेजेंटेड दिस पोम इन वेरी वेल मैनर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो शेयर एंड सब्सक्राइब।